नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा। दोस्तों, मैं आज बोकारो से नहीं, अपने विलेज से बात कर रही हूँ आपसे। दोस्तों, मैं अपने गांव में आई हुई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ मेरे गांव में जो ओरिजिनल बेम्बू हैं, जो हम लोग के घर बनाने के काम में, बहुत सारे काम में आते हैं, उसको मैं आपको दिखला रही हूँ। साथ ही ढेर सारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, उनको मैं आपको दिखलाना चाह रही हूँ। दोस्तों, आप इधर देखोगे तो आम, बहुत ढेर सारे आम लटके हुए हैं, फले हुए हैं। और इधर आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, ये आप, मैं इसको कैमरे को ऊपर लेते जा रही हूँ, आप देखोगे कि ये जो लत्तर वाली प्लांट है, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। इस तरह से अगर अच्छे वातावरण हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो प्लांट इसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें अच्छे वातावरण, गांव में प्रदूषण वैसे भी कम होती है, तो इस हालत में यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपने पूरे गांव का आपको ये दिखला रही हूँ। इसमें किस तरह से पानी के लिए हैंड पंप हुआ करते हैं, ये देखिए। एक वहाँ चीकू का प्लांट लगा हुआ है, इधर आपको मैंगो का दिख रहा होगा, इसके बाद बांस का, बम्बू का प्लांट दिख रहा होगा, इधर आपको पुराने, पहले के बने हुए पुराने हाउस दिखाई दे रहे होंगे, तो इधर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, थर्मल पावर प्लांट उधर नजर आ रहे होंगे आपको, चिमनी आपको दिखाई दे रही है। सबसे भारी बात, लोग को अखर कहला गया, जो ऊपर बना लिए वही अखर ऊंचा हो गया, वो माय उनका रास्ता बंद हो गया ना। ये बेल है, कुआं जिससे पानी पी जाती है यहाँ पर। साथ ही आप यहाँ देखोगे तो आंवला का प्लांट है, इसमें आंवला तो अभी समय नहीं है, नहीं लगा हुआ है, निकल चुका है सारा आंवला, लेकिन इसके प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आ जाने के बाद यहाँ से फिर जाने की इच्छा नहीं होती है कि लौट कर फिर बोकारो जाया जाए, क्योंकि बोकारो में चाहे जो कुछ भी हो, इतनी ज़्यादा हरियाली और इतने सारे प्लांट्स दिखाई नहीं देते। हालांकि झारखंड जो हमारा है, बोकारो जो है, ये भी काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी हरियाली भरा हुआ प्रदेश हमारा है, फिर भी अपनी जन्मभूमि, जहाँ पर आपकी जन्मभूमि हो, वहाँ से हटने की इच्छा नहीं होती है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।